आपने किसी को बहुत बेचैन कर दिया है, वे बहुत डरे हुए हैं, कई लोग आपको देखकर नहीं कह सकते हैं, अब उन्हें बहुत पसीना आने लगा है, कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं, वे आपको देखकर डर रहे हैं क्योंकि भगवान ने नहीं कहा है। बहुत से लोगों को अपनी सीमा में रहना सिखाया गया है और भगवान ने कहा है कि अपनी सीमा में रहो। जो लोग आपके आसपास रहते हैं वे आपके आसपास रहकर आपका भला नहीं चाहते, ठीक है। और मैं भी यहाँ ये बात सुन रहा हूँ कि आपकी एक हो गई है अंदर का सकारात्मक बदलाव। शायद आज आप इस वीडियो में इस सकारात्मक बदलाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे कई लोग हैं जो अपने अंदर इस बदलाव को महसूस नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या सकारात्मक बदलाव आया है जिससे परमपिता परमेश्वर बहुत प्रसन्न है। ठीक है, आपके आभा मंडल में ऐसा बदलाव आया है और यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा हो रहा है आप भगवान की कृपा से। ये जो आपने प्राप्त किया है जो उत्तम है, ये जो आपने ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया है, यह वह है जो आपने ईश्वर की कृपा से प्राप्त किया है। ठीक है, हम इसे जो भी सफलता कह सकते हैं, हम इसे सिद्धि कहेंगे, ये भगवान की कृपा से प्राप्त किया गया है। यहाँ भगवान आपको ये बताते हैं, आप अब पहले जैसे मासूम नहीं हैं, आप हर किसी की बात जल्दी मान लेने वाले हैं, आप हर किसी का काम जल्दी निपटाने वाले हैं, आप चीजों को तार्किक रूप से लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जीवन में बहुत व्यवहारिक होते जा रहे हैं, अंदर की शक्ति बढ़ती जा रही है, भगवान बढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़ रही है, जिसके कारण कई लोगों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उनका काम अब आपसे नहीं हो पा रहा है। वे अपना काम आपसे कराना चाहते थे लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं और आपके अंदर एक और बदलाव आ गया है कि आप न तो सही और गलत को समझने लगे हैं और न ही यह कह सकते हैं कि आप अब बड़े हो गए हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं को। आप किसी भी उम्र के हों, मैं आपको पहले भी यह बता सकता हूँ, आप सही और गलत को नहीं समझ पाते थे, आप यह अंतर नहीं समझ पाते थे कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ, आपने ये चीज जरूर देखी होगी, आप सही चीजों को समझ पाते हैं, आप सही फैसले ले पाते हैं, ये आपके ऊपर भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है कि आप जो करना चाहते हैं वो चीज सही है आपके लिए, आप ऐसा करने में सक्षम हैं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये बात मेरे लिए सही है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये ठीक है। और आप सही और गलत के बीच का अंतर समझने लगे हैं, मतलब लोग आपसे बात करते हैं, ठीक है, ये चीज तो आपने पहले भी देखी ही होगी, जब लोग आपसे बात करते थे तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर पहचान नहीं पाते थे कि उनकी भावना क्या है, यह व्यक्ति किस भावना से मुझसे बात कर रहा है, उसके इरादे क्या है, क्या यह मेरे लिए सही है, नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक। तो अब आप समझने लगे हैं कि ठीक है, लोग आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं, वे क्या काम करना चाहते हैं, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके लिए सही सोच रहा है, कौन आपके लिए गलत सोच रहा है। आपने भी देखा होगा कि आपके मन में या आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति में, ठीक है, आपके मन में कहीं न कहीं से आवाज आती होगी कि जो काम आपके पास आया है या नहीं, ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है। उसी समय तुम्हें परमपिता परमेश्वर से किसी प्रकार का संकेत मिला है, आप मुझसे मिले होंगे, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि नहीं, ये काम मेरे लिए सही नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई काम करना चाहते हो और आपके मन में ये शंका हो कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। नहीं, आपको उसी वक्त संकेत मिल गया होगा कि आप उस काम के लायक हैं या नहीं। तुम्हें समझ आ गया कि हाँ, ये काम मेरा अवश्य होगा और यदि तुम वह काम करोगे तो ये तुम्हारे ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, जिसके कारण बहुत से लोगों को कष्ट हो रहा है। लोग आपसे नाराज हो रहे हैं क्योंकि न तो आप मतलब समझने लगे हैं और न ही उनके इरादे समझने लगे हैं कि वे अपना काम करवाने के लिए मेरे पास आए हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा वे टाटा बाय बाय कह देंगे, मैं और वो गलत इरादे से आए हैं, उनकी भावनाएं ठीक नहीं है। ठीक है, आप इन बातों को कहीं ना कहीं समझने लगे हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपके साथ कुछ ऐसी बातें घटें
जिससे आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग ये बात नहीं जानते थे। आप अब पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत मासूम थे, आपने खुद को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं यही कह सकता हूँ। आपने बहुत ज्यादा नुकसान किया है अपने आप को। पहले तो आपने अपनी मासूमियत में ऐसा किया क्योंकि आप चीजों को समझ नहीं पाते थे, फिर भगवान ने देखा, लेकिन फिर भगवान ने देखा और समझा कि नहीं, मेरा ये बच्चा बहुत मासूम है, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या गलत है। ये खुद को बहुत नुकसान पहुंचाता है और आपके आसपास ऐसे ही चालाक लोग होते हैं। ठीक है, आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो सोचते थे कि आप बहुत मासूम और मासूम हैं और बाद में आपसे कोई भी काम लिया जा सकता है, फिर आपको फटेहालों को बाय बाय कहना पड़ता है। तो अब आपको ये बात समझ में आने लगी है, शायद हाल ही में मैंने भी ये बात सुनी है। मैं सुन रहा हूँ कि कोई आपके पास किसी काम से आया था और आपने वो चीज देखी तो आपको बात समझ में आ गई, आपने उस चीज को मना कर दिया, कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ गया कि इससे कई लोगों को नुकसान हो रहा है या यह सही नहीं है, ये काम सही नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा, आपने किसी को किसी काम के लिए मना कर दिया हो। एक बात और, आप में बदलाव आया है। पहले आप किसी को मना नहीं कर पाते थे क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, आपको किसी को मना करना नहीं आता था। क्या आप ये काम करेंगे? हाँ मैं करूँगा, या मैं कर दूंगा, काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, भले ही मन कहता था ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम किसी को ना नहीं कह पाते थे। अब आपके अंदर इतना बदलाव, इतना सकारात्मक बदलाव आ गया है कि आप ना कहना सीख रहे हैं। आप अपने लिए बहुत ज्यादा स्टैंड ले रहे हैं, जिससे परमपिता परमेश्वर बहुत खुश हैं कि आप चीजों को लेकर इतने गंभीर हो गए हैं। आप अपने बारे में बहुत ज्यादा गंभीर हैं। ठीक है, आप खुद ही देख रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, आपके साथ क्या गलत है। अगर आपका विवेक आपको कोई काम करने से रोकता है तो आप तुरंत उसी क्षण कह देते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करने में सक्षम, ठीक है, तो यह आपके द्वारा हासिल की गई सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप चीजों को समझने लगे हैं, आप सही और गलत को समझने लगे हैं, और कौन किस इरादे से आपके पास आता है और कौन सा काम करना चाहता है, आप ये बात समझने लगे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरे लिए बात कि इस वजह से कई लोग आपसे नाराज हैं, उनके पसीने भी छूट गए। अचानक ये कैसे हो गया? उनके पास इतना दिमाग कैसे हो गया? वो चीजों को इतने अच्छे से कैसे समझने लगे? फिर उन्हें भी डर लगता है कि कहीं आग तो नहीं लग गई तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पंखों में आग। इतना परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है, तेज गर्मी है, उसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ही हैं जो पहले बहुत मूर्ख थे, काम भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ समझ नहीं रहे। अब कैसे, क्या आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं? आप कैसे काम कर रहे हैं? आप इस मामले पर स्टैंड कैसे ले रहे हैं? आप कैसे समझने लगे हैं कि आप हर बात को बारीकी से कैसे समझते हैं? ठीक है, ये बातें आपके अंदर आ गई हैं और आप इस मामले पर स्टैंड ले रहे हैं। इससे आपके आसपास बहुत से लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैं ऐसे तमाम लोगों को देख रहा हूँ जो आपका यह नया रूप देखकर बहुत हैरान है। ठीक है, आपका यह नया रूप उनका मतलब नहीं है, वे इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका काम बहुत अटक गया है जो आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपका बहुत नुकसान है, आपका जमीर आपको इस चीज के लिए बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जिस काम के लिए आपका भगवान आपको मना करता है, आप वो काम नहीं करेंगे क्योंकि इससे कई लोग आपको ना कहेंगे। बहुत से लोग आपसे नाराज ही नहीं बल्कि पसंद भी नहीं करते और सोच रहे हैं कि वो इतनी दूर कैसे सोचने लगा, वो भविष्य कैसे देखने लगा, आगे क्या होगा, इस काम से क्या नहीं होगा, कैसे हुआ, उसके पास इतना दिमाग है, ऐसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके कारण कई लोगों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि वे अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं, उन्होंने अपना आधा समय सोचने में ही बिता दिया है, उन्होंने बहुत कुछ खत्म कर लिया है। ठीक है, तो मुझे आज ये बातें बहुत अच्छी लगी, आप सभी के लिए आज का ये पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा।
आप सभी के लिए ये बहुत अच्छा लगा कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। आप इसे तार्किक रूप से ले रहे हैं, ये ठीक है। आप अपने जीवन में अधिक व्यवहारिक हो रहे हैं। अब आप भावनाओं में नहीं बहते, आप ज्यादा नहीं रोते। अगर आपके पास किसी चीज के लिए नहीं है, तो अगर आपके पास नहीं है ये, तो मैं यह नहीं करूँगा। ठीक है, आपके अंदर ये ऊर्जा आ गई है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ कह रहा है। नहीं, हाँ, आप सही हैं, आप सही रास्ते पर हैं, आप ठीक हैं। आप मेरी आवाज़ के बारे में जानते होंगे, कितना अचानक मैं बहुत खुश हूँ। ये डाउनलोड में है सुबह, तभी मैंने सोचा था। ये बहुत बड़ी बात है, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो सही और गलत में फर्क कर रहे हैं और ये समझने लगे हैं कि नहीं हे भगवान, अगर मैं वो काम नहीं करूँगा जिससे मुझे खुशी नहीं होगी तो मैं वो काम नहीं करूँगा। ये ठीक है, आप पुरुष और महिला हैं, यह कोई भी हो सकता है। मेरा काम आप सभी को ऊर्जा देना है। ओह, यह आ रहा है, तुम मेरे हो, तुम्हें कभी कोई हासिल नहीं कर सकता। तुम मेरे हो, अब तुम्हें कभी कोई नहीं पा सकता। आप और सिर्फ आप मेरे हैं। यह आपके साथ ठीक है। कोई कह रहा है ठीक है, मैं राज भी साथ में आया था और कोई तुम्हें भी खूब देख रहा है। ठीक है, वो राज तुम्हें देखता है और ये कह रहा है तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे तुम किसी और की होती दिख रही हो। ठीक है, तुम उन्हीं की हो और बस। वे भगवान से यही कह रहे हैं। भगवान ने ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से निकाल दिया है जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया और आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। आपको वे लोग भगा रहे हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं की। हनुमान सुरक्षा, तो हनुमान सुरक्षा आपके साथ है। ठीक है, हनुमान सुरक्षा के साथ रहते हैं। यहाँ आपके लिए यह मार्गदर्शन आ रहा है कि हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। शक्ति आपके साथ है, आपके माध्यम से आपके परिवार का कल्याण होगा। वाह, आपके माध्यम से आपके परिवार का कल्याण होगा। ठीक है, आपके पिता आपसे यही कह रहे हैं। आपके पूर्वज जो आपसे खुश हैं, हो सकता है इसका मतलब है कि उन्होंने आपका भविष्य देख लिया है, जिसके कारण वो आपसे कह रहे हैं कि आपके कारण न तो आपके कुल का कल्याण होगा और न ही कुल का, आप ही अपने कुल का कल्याण करेंगे। यहाँ मैंने ट्रिपल लव देखा है। प्यार देखने का मतलब है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने मन की बात सुने, जिसने तुम्हें डुबाया तुम खुद ही डूब रहे हो। इसका मतलब है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो आपको डुबो देना चाहते थे। ये ठीक है, लेकिन यहाँ भगवान ने आपके साथ बहुत बड़ा न्याय किया, इसलिए आप, जिसने आपको डुबोया, आप खुद ही डूब रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी कर्म संबंधी चीजें हैं। उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया, अब वो गलत उनके साथ हो रहा है। ठीक है, आपके साथ मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत ज्यादा किसी ने कुछ बहुत गलत करने की कोशिश की। ठीक है, कुछ लोग आपको डुबोना चाहते थे, इस तरह अगर वे होते वहाँ, अब खुद डूब रहे हैं। कर्म सबको मिलता है, ये हमेशा याद रखना। मुझे फिर से दिखाओ, ईव लिखो, धन्यवाद। दिव्या को जरूर बताना, क्योंकि मैं यहाँ बार बार ईव देख रहा हूँ और भगवान ने तुम्हारे सिर देखे हैं। खैर, भगवान ने उन्हें आपके दिमाग की सीमा में रखा है। आप अपनी सीमा में कैसे रहेंगे? आप तो अपनी हद से बाहर जा रहे थे। आपका दिमाग ठीक है, इसलिए भगवान ने उन्हें इस तरह डांटा है, जिसके कारण वे अपनी सीमा में वापस आ रहे हैं। इसलिए आप जो भी करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, वे आपसे कुछ गलत काम करना चाहते हैं, इसलिए अब भगवान ने उन्हें अपनी सीमा में ही रखा है। आपकी सीमा क्या है? आप ही अपनी सीमा हैं। डॉट, अब इसे पार नहीं कर सकते, इसलिए ये साथ आ गया। चलो इसे ले लो, तेरा नाम बजने लगा है, तेरा नाम बजने लगा है। ये बात बहुत बढ़ गई है यहाँ। हाँ, जरूर बजना चाहिए, क्योंकि यही तो है हमारे डाउनलोड संदेश में। ऐसा कहा जाता था कि लोग आपको देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, चिंतित होते हैं कि आपके अंदर अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया, आप चीजों को लेकर इतने व्यवहारिक कैसे हो जाते हैं, आप तार्किक रूप से कैसे सोचते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं क्या आप या मैं लोगों की भीड़ में ये बात सुन रहे हैं कि वे आपका नाम जप रहे हैं,
वाह वाह, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह इंसान इतना शोर कैसे कर सकता है, इसके पास ये काम करने का दिमाग कैसे आया? आप चीजों को इतनी अच्छी तरह कैसे समझने लगे? आपने भविष्य में चीजों को देखना कैसे शुरू किया? ये बात भविष्य में घटित होगी। आपने इस वजह से कई लोगों को मना कर दिया है। वे किसी कारण से आपके साथ काम करना चाहते थे, इसलिए आपने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि यही कारण है कि भविष्य में ऐसा होगा। और ये तो होने ही वाला था, तो ये चीजें लोगों के पसीने छुड़ा रही हैं। आपने किसी को ज्यादा हैरान नहीं किया। ये बात यहाँ आ गई है, सब कुछ अचानक से बदलने वाला है। ठीक है, सब कुछ अचानक से बदलने वाला है और ये बदल जाएगा आपका। अच्छा, यह आपके भावी जीवन के लिए बदलाव लाएगा जो बहुत अच्छा होगा। ये तो आ गया, तुम्हें देखकर कोई डर गया है। अरे, तुम्हें देखकर कोई डर गया है और ये लेकर आ गया है। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तो तुम्हें देखने के बाद कोई डरा हुआ है। तुम्हें देखकर वो क्यों डर रहा है? क्योंकि आप किसी के वश में नहीं हैं। लोग आप पर बहुत अधिक नियंत्रण करना चाहते थे। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, ये करो, वह करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये करो, वह करो, वहाँ बैठो। उनसे मिले, न मिले, लेकिन आपकी जिंदगी में कई ऐसी चीजें थीं, जिनके कारण आपको ऐसा लगता था जैसे आप किसी नियंत्रण में हैं। आप रिमोट का इस्तेमाल ऐसे ही कर रहे थे और आप चल रहे थे, और कुछ लोग आपसे डरते थे इसके कारण, क्योंकि आप किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। और यहाँ इसके साथ ही मैंने आईपी एड्रेस भी नहीं देखा है। ठीक है, आप बहुत सही कर रहे हैं, आपको बहुत दिव्य सुरक्षा मिली हुई है, बहुत बहुत। आप नियंत्रण में नहीं हैं, दोहरी पुष्टि, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपने वास्तव में न तो कई लोगों को बनाया है और न ही पसीने से लथपथ हैं। वो आपको देखकर बहुत आश्चर्यचकित नहीं है। संदेश, आपके जीवन का सबसे अच्छा मौसम है, यह आपके लिए सबसे अच्छा है, यह मौसम है, क्योंकि अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, आगे की चीजों के बारे में सोच रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में सोच रहे हैं, इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये भी सोचें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही नहीं है। क्या आप इन बातों पर सोचते हैं? शॉर्ट लेडी, क्या आपके जीवन में कोई छोटे कद की महिला है? शायद छोटे कद की महिला, और इससे संबंधित कुछ संदेश दें। दिव्या, यह आ रही थी, ब्रह्मांड जा रहा है। आपको एक साथी का आशीर्वाद मिले तो आपको अपना सबसे अच्छा साथी मिल सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई बात नहीं। दिव्या कह रहे हैं कि वो तुम्हें सबसे अच्छे साथी का आशीर्वाद दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में आपसे बहुत प्यार हो। ये ठीक है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ। हो सकता है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उपहार की व्यवस्था की हो। ठीक है, तो यहाँ परमात्मा आपके लिए कुछ उपहारों की व्यवस्था कर रहा है। यहाँ परमात्मा आपके लिए कुछ उपहारों की व्यवस्था कर रहा है। कोई उपहार देना चाहते हैं जो आप मांग रहे थे? ठीक है, वो आपको बहुत जल्द मिल सकता है, बहुत जल्द। ये बात आ गई है कि वो उपहार आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ ये दोनों संदेश फिर से एक साथ आए हैं। क्या आया है? आप अपने परिवार के पहले अरब हैं, आप अपने जीवन के पहले अरब हैं, आप अपने जीवन के पहले अरब हैं, क्योंकि यहाँ ये भी आया है, आप अपने परिवार के एक हैं, आप अपने जीवन का अर्थ हैं, आपका परिवार, नाम आगे बढ़ाए, प्रसिद्धि बनाए रखे, बढ़ाओ, कुछ ऐसा मैसेज आया था। उसके बाद आप सबसे अच्छे विलियन हैं, आप परिवार के पहले विलियन हैं, आप अपने परिवार के पहले करोड़पति बनने जा रहे हैं, आप इतने चमकते हैं कि टोपियां संभाल नहीं पाती, ये साथ आया है। आप अगर आप एक अरब हो गए तो आपकी चमक देखकर आपसे नफरत करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे अपनी बर्दाश्त से बाहर जा रहे हैं। आपने पहले ही बहुत से लोगों को ना कहना बंद कर दिया है। यहाँ ये बात आ गई है कि आप कई लोगों को ना कहेंगे। मैंने आज ये बात बंद कर दी है, परमात्मा कह रहा है, और परमात्मा तुमसे बहुत खुश है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, हे भगवान, कोई तुमसे बहुत खुश है। ठीक है, ये तुम्हारी आत्माएं हो सकती हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं, आपका परिवार जो आपसे बहुत खुश है।
आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका साथी सही काम कर रहा है और आपको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। आपको अपने साथी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। यह क्या है? सूर्य द्वारा जीना, चंद्रमा द्वारा प्यार करना। सूर्य द्वारा जीना, चंद्रमा द्वारा प्यार करना। यहाँ परमात्मा आपको सूर्य के अनुसार जीने के लिए कह रहा है, चंद्रमा के अनुसार प्यार करो। ठीक है, खुलकर जियो, खुलकर प्यार करो, जाग जाओ। और क्या है? तो तुम्हें जगाने के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि अब जाग जाओ, अब तुम्हारे जागने का समय है, अपनी आँखें खोलो, अब समझो। वैसे आपकी आँखें खुल गई हैं, आप चीजों को अच्छी तरह से समझने लगे हैं, आप सही और गलत चीजों को समझने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दिव्या बिल्कुल सही संदेश कैसे दे सकते हैं। आप जल रहे हैं, आपकी टोपियाँ नहीं हैं। उन्हें बहुत नौकरी से निकाला जा रहा है और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस समय आपने उनका कार्य करने से इनकार कर दिया। खैर, ये कुछ लोग हैं जिनका काम आपने करने से मना कर दिया, तो ये आपके दुश्मन बन गए और इसीलिए अब वे क्रोधित हैं कि तुमने उन्हें मना कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये बात यहाँ सामने आ गई है, इसलिए परमात्मा आपसे कह रहा है कि उठो, अपनी आँखें खोलो, सही और गलत को अच्छी तरह समझो। बहुत से लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। वे आपके निष्कासन के कारण ही आपसे मित्र बने थे, लेकिन आपने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अब वे आपके नफरत करने वाले बन गए हैं, वे आपके दुश्मन बन गए हैं। वाह रे समाज, आपने वास्तव में कई लोगों को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मुझे ये संदेश यहाँ भेजना पड़ा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब वो आपका दुश्मन बन गया है और अब वो ये सोचने लगा है कि इस आदमी को काम निकलवाने से ही मतलब था, काम निकलवाने के लिए ही इसने आपसे दोस्ती रखी थी, वरना इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप उनका काम करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जादुई प्लस पर भरोसा करें जो आप हैं। परमात्मा आपको अपने जादुई विस्फोट पर भरोसा करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अपने जादुई प्लस को विस्फोट करें। जैसे ही यह नष्ट हो जाएगा, सभी जादुई चीजें नहीं रहेंगी आपकी मुट्ठी में। सारी खुशियां आपकी मुट्ठी में होंगी, हर जगह प्यार आपकी मुट्ठी में रहेगा। ठीक है, तो आपको अपने जादुई विस्फोट पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपने आप पर, अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। मत छोड़ो। यहाँ परमात्मा आपसे कह रहा है कि हार मत मानो, यकीन मानिए, सब ठीक है, बिल्कुल भी हार न माने। बहुत से लोग चाहेंगे कि आपका यह नया रूप, यह नया व्यक्तित्व, आप इससे बाहर आ जाएं, लेकिन यहाँ दिव्या कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। आपको कहना होगा कि नहीं, मैं कभी हार नहीं सकता, मैं कभी हारने के लिए नहीं बना हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। जरूर लिखो, मेरी जीत निश्चित है, मैं जीतने के लिए बना हूँ। ठीक है, आपको ये जरूर कहना होगा। लिखा है कोई जेल जा रहा है, कोई जेल जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपने किसी को काम करने से मना किया हो, वह काम करना सही नहीं है, और अगर वह काम करना चाहता है तो वह काम करेगा, तो जेल भी भेजा जाएगा, ऐसा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ठीक है, जिस काम के लिए आपने किसी को मना किया है या नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप समझ जाएं कि आपने आगे की चीजें देख ली हैं। इसे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।